बट सच में रेशमा, मुझे खुशी है कि मैं मेले में उसके साथ आया और तुम मुझे मिल गई। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने मुझे अपने भाइयों की धमकी दी थी? याद है। नो, अब मैं इरादे से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। दे लो अपने भाइयों को आवाज। ओए, तैयार हो जा। अरे आइए आइए आइए, बैठिए प्लीज बैठिए। अरे वाह, कैसी हैं आप? कभी हमारे लिए भी कुर्सी खींच लिया करो, हम भी बैठ जाएंगे ना। वैसे क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों की चर्चे चल रहे हैं, पिक्चर्स भी खींची हैं कल रिपोर्टर्स ने। वैसे सोचो कि कल के अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज हो तुम दोनों की, टाइटल हो कपल ऑफ द ईयर, R&R, रुस्तम एंड रेशमा। एंड बॉबी, बॉबी देख जानी, तू हर दफा ट्रीट से बच जाता है, लेकिन इस बार तुझे जाने नहीं दूंगा। डन है ना? हाथ दे। और मैडम आप प्लीज कोई बहाने ना कीजिएगा, वही वाले मेरा भाई आ रहा है, मुझे घर जाना है, खाना पकाना है। आई मीन डट के यार, प्यार किया तो डरना क्या। मेरा मतलब है कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। क्या हुआ, क्या देख रही हो? वो बॉबी फोन करने गया था, अभी तक आया नहीं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम डिनर करने जा रहे हो। हाँ तो बॉबी तो आ जाए, पता नहीं कहीं बैठ के किसी लड़की को उल्लू बना रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, मैं तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अब हर कोई मेरी तरह शरीफ थोड़ी होता। शरीफ और तुम, मैं नहीं मानती। कम से कम 8-10 तो होंगी जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता। हाँ भाई, चैंपियन हो इस यूनिवर्सिटी के। I swear, मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यकीन नहीं आता तो मेरा फोन चेक कर। तुम मुझे क्यों इतनी वजाहतें दे रहे हो? अब चलो दे ही रहे हो तो अब सच बोल दो, 8 या 10? एक भी नहीं, नहीं एक थी, अब नहीं रही। उसको कोई और पसंद आ गया और मुझे कोई और। और ये एक वो ही तो नहीं थी जिसके साथ तुम मेले में आए थे, जिसके धोखे में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था? बट सच में रेशमा, मुझे खुशी है कि मैं मेले में उसके साथ आया और तुम मुझे मिल गई। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने मुझे अपने भाइयों की धमकी दी थी? याद है। नो, अब मैं इरादे से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। दे लो अपने भाइयों को आवाज। मुझे साहिबा बनकर अपना मिर्जा नहीं मरवाना। तो इधर आ, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, ऐसे घुमाने तक रखेगा तुम्हें। शादी अभी से? अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो सिर्फ दोस्ती हुई है, शादी तो बहुत बात का मरहला होती है। मेरी मानो तो मोहब्बत मरहलों में मत तय करो, मुश्किल में पड़ जाओ। अक्सर मोहब्बत करने वाले यही गलती करते हैं, मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते कि शादी पीछे रह जाती है, और फिर उम्र भर यही पछतावा लगा रहता है कि शादी क्यों नहीं की। मोहब्बत के लिए तो उम्र बाकी है, तो क्या करूं? मतलब खुद से पूछ लो शादी। नहीं नहीं, उसे डायरेक्ट मत कहना, शादी का जिक्र छेड़ दो। कहो कि हमारे यहाँ मोहब्बत तो होती है लेकिन डेट शेट नहीं होती। अब्बा जी कहाँ है? गांव खैर से गए? वो सुल्तान का दोस्त है ना अकमल, उसकी खैरियत मालूम करने गए। ये हाथ पे निशान किस चीज का है? कुछ नहीं।
तुम तो खाना खा कर आई हो, मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। मैं खाना खा रही हूँ, चलो कपड़े तय करो। हमेशा बखेड़ा मचा के रख रही हूँ। रेशमा जल्दी आ जाओ यार, कब से खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। आ गई हो तो बताओ ना, कब से खड़ा हुआ गला फाड़ रहा हूँ अपना। मैं काफी दिनों से एक चीज नोटिस कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी मैं जाती हूँ, त्यार शहर होके तुम निकल रहे हो। खैर तो है ना, कोई लड़की शड़की तो पसंद नहीं आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी करो, देर हो गई है पहले ही हमें। है तो बता दो, हेल्प कर दूंगी। जब हेल्प चाहिए होगी बता दूंगा, हेल्प कर देना, अभी नहीं चाहिए। चलो, मर्जी है तुम्हारी। वैसे जानी, मुझे एक बात बता, ये रेशमा वाली कहानी कब तक चलाएगा? अभी तो मैं घात लगाया बैठा हूँ, सर्चिंग फॉर हिज वीकनेसेस। तब तक ये पता ना, वो लड़की तेरे इश्क में पागल हो गई। मैं ऐसे करता हूँ, आज अपने नए वाले घर में पार्टी रखता हूँ, तू उसको वहां पे ले आए, जितनी भी वीकनेसेस ढूंढनी है ढूंढ ले। तो ठीक है, ऐसे कर रहे हैं आज के, बदला मुझे दिलशेर से लेना है, रेशमा से नहीं। कुछ सोचता हूँ तो सीधा दिलशेर के दिल पर जा लगे। दुश्मनी तेरी भाई से है, हमदर्दी तू बहन से करता फिर रहा। तेरी कुछ समझ नहीं आती मुझे, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस मशर की हसीना पे। देखिए अखाड़ा बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।